नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत वेसवानी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल AVS Tech अनंत वेसवानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको कुछ ऐसी ट्यूटोरियल दी थी जो कि Shopify की थी, तो आप यहां पे देख सकते हैं लास्ट ट्यूटोरियल थी ये क्रिएट ड्रॉप शिपिंग की ओवरलो की थी, उसके पहले ये कस्टमाइजेशन की थी, फिर आप फैशन स्टोर कैसे बनाएंगे और उसके पहले बेस्ट प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे, फिर उस सबसे पहली जो ट्यूटोरियल थी उसमें मैंने आपको ये सारी ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको ये अपना पेमेंट प्रूफ दिखाया है, सारी चीज़ें मैंने आपको शो की हुई हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर बहुत से लोग बोलते हैं Shopify खराब है। खराब नहीं है, अगर कोई इंसान खुद मेहनत नहीं करना चाह रहा है तो वो चीज़ खराब है। मेरा ये मानना है कि हर वो चीज़ खराब है जिसमें आप टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने तो आपको इतना पेमेंट प्रूफ दिखाया है, आपको हर चीज़ मैंने शो की हुई है, इसलिए शो की है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ कमाई तो होती है, ठीक है। अगर आपको ये अभी तक हो गया है और आपने स्टोर जैसा कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोगों ने स्टोर बना लिए हैं, तो जैसे कि हमने अपना ये लास्ट एक स्टोर बनाया था जो कि Shopify में था, ये सिर्फ मैंने आपको डेमो के लिए बताया था। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये इसमें लास्ट 22 आवर्स लेफ्ट बचे हुए हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने स्टोर बना लिया है, आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना बता दिया था, आपने सारे प्रोडक्ट वगैरह भी इम्पोर्ट कर लिए हैं, ये सिर्फ डेमो के लिए मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट डाल के दिखाए हुए थे, ठीक है। अब बात आती है कि आपको उसमें ट्रैफिक कैसे लेके आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सेटअप करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है कि आप ट्रैफिक कैसे लेके आते हो। तो ट्रैफिक के लिए आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहली बात होती है कि आपका होना चाहिए एक फेसबुक पेज मस्ट है, क्योंकि हमको अगर कुछ भी करना है देन ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए और एक होना चाहिए डील पेज। एक फेसबुक पेज होना चाहिए जहाँ पे आपके उसके प्रोडक्ट्स वगैरह आप इंपोर्ट करोगे, जहाँ आपकी शॉप रहेगी, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ये देखिए इस पे शॉप का ऑप्शन भी आ रहा है, और एक जो ये है ये रहेगा, एक रहेगा आपका डील पेज। अब वो डील पेज आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डील पेज का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको शॉप का जो शॉप का एक पेज रहेगा उसका पेज का नाम आपको कुछ भी एक ऐसा नाम रखना है जो कि रियल हो। जैसे कि अगर आपके शॉप का नाम है कि AVS कार्ट, तो आपके पेज का नाम सिर्फ और सिर्फ AVS कार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेहद ध्यान रखनी है। और इसके बाद तो आपका एक ट्विटर अकाउंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे आप प्रमोशन सारी चीज़ें पोस्ट कर सको, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो चीज़ें तो ये हो गई, इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट ये करना है कि आपको फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं, यहाँ पे आप जिस भी लोकेशन पे, जैसे मान लीजिए आप USA में सेल कर रहे हैं, तो आपको USA के शॉपिंग के जो ग्रुप हैं वो सारे आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं USA शॉपिंग करता हूँ, यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, जो जो भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स को आपको, और एक ही दिन में ज्वाइन नहीं करना है, एक दिन में मुश्किल से 3 से 4 करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 33K मेंबर्स हैं, 17K मेंबर्स हैं, 17K, और ये ज़्यादातर मोस्टली USA, कनाडा, इंडिया के लिए हैं, और ये सारे आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ग्रुप्स इसलिए ज्वाइन करने हैं क्योंकि आपको सारे अपने प्रोडक्ट यहाँ भी पोस्ट करने हैं। अब आपको एक और चीज़ क्या करना है, जैसे ही आप किसी भी ग्रुप को ओपन करते हैं, आपको ज्वाइन करना है वो ग्रुप, आप उसकी एक बार कंडीशंस चेक कर लीजिए कि वो कंडीशंस आपको पोस्ट करने देगा या नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने तो कुछ खास डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे देखिए मेंबर्स कितने हैं, एडमिन्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक दिन में तकरीबन अभी तक इनके देखिए 211 करीब इसमें पोस्ट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें देखिए आप सारे प्रोडक्ट वगैरह भी इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको देखना है कि मेम्बर्स सारे मेम्बर्स पोस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखना है यहाँ पर एडमिन कौन है, और सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर रहा है तो फिर आप ऐसे ग्रुप्स मत ज्वाइन कीजिए, वो आपके वेस्टेज है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अब ट्विटर भी मैं आपको बता चुका हूं, और ज्यादा से ज्यादा आपको ट्विटर में लोगों को फॉलो करने की कोशिश करना है, क्योंकि आप उनको फॉलो करेंगे वो आपको फॉलो बैक करेंगे। दो तीन चीजें हो गई, जैसे कि फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और ट्विटर।
अब इन तीनों चीज़ों में आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पोस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ने लिंक उठाई और पोस्ट कर दिया। तो जैसे कि हम एक प्रोडक्ट अपना कोई लिया करते हैं, ये आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, ये देखिए हम थोड़ा सा प्रोडक्ट चेक करते हैं प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ पोस्ट करना है ट्रैफिक आए चाइना आए, आपको उससे मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको ऑलवेज क्लाइंट्स को थोड़ा सा डिस्काउंट देना है, क्योंकि चूंकि आप कूपन बनाएंगे डिस्काउंट बनाएंगे ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो आपको ये जो डिस्काउंट टैब है, इस डिस्काउंट टैब में जाके एक कूपन बनाना है। जैसे कि आपने कोई भी एक क्रिएट डिस्काउंट करते हैं आप, तो आपको कूपन कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट कैसे देना है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक कूपन का नाम लिखना है। जैसे कि अभी मैं लिख देता हूँ 10 ऑफ, तो ये हम किसी को 10% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज टाइप आपको देखना है, फिक्स्ड अमाउंट लिखना है या फ्री शिपिंग देना है या बाय एक्स एंड गेट एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं। तो अभी हम परसेंटेज दे देते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10% हम ऑफ दे रहे हैं। 10% ऑफ भी कैसे देना है कि एंटायर ऑर्डर पे देना है या फिर स्पेसिफिक कलेक्शंस पे देना है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देना है। तो आप यहाँ पे ये तीन चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर एंटायर ऑर्डर पे दे रहे हैं तो अगर कोई एक साथ बहुत कुछ ऑर्डर कर देता है, लेकिन अगर आपका आपने मार्जिन ठीक रखा है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो अभी हमने जैसे कि हम करते हैं स्पेसिफिक कलेक्शंस पे, तो कलेक्शंस जैसे कि यहाँ पे आपको कलेक्शंस एक चेक करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा सिर्फ मेंस क्लोथिंग है अभी, तो हमने मेंस क्लोथिंग को सिलेक्ट किया, तो मेंस क्लोथिंग पे यहाँ पे 10% ऑफ रहेगा, ठीक है। और फिर है मिनिमम परचेस अमाउंट, कितना आप डालना चाहते हैं। कि अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ 500 की शॉपिंग कर रहे हैं, देन ही आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये 500 की खरीदी पे मिलेगा, और इसके बाद ये सारे कस्टमर्स के लिए रखना है आपको। लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ये सिर्फ आप कर सकते हैं कि पर कस्टमर एक या दो बार, या फिर आप चाहते हैं कोई नहीं रखना है तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये कितने टाइम से कितने टाइम तक रखना है, तो स्टार्ट डेट आपको लिखना है, टाइम लिखना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए है या 3 दिन के लिए है, तो आप यहाँ पे एंड डेट भी लगा सकते हैं, और ये सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 दिन के लिए कर देना है, और आपको ये जो है इसको सेव कर देना है। अब आपका ये एक ऑफर बन गया। तो आपको यहाँ पे समरी देखिए, यहाँ पे शो रहा है कि ये कूपन कोड रहेगा, फिर उसके बाद 10% ऑफ रहेगा मेंस कलेक्शन पे, मिनिमम अमाउंट परचेज अमाउंट 500 है, और एक्टिव फ्रॉम टुडे अंटिल 5th जून, मतलब 25 जून तक ये आपका कूपन है। अब आप चाहें तो इसके लिए कूपन्स की साइट में कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास आपके कस्टमर्स के ईमेल होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप यूएसए की अगर लिस्ट है आपके पास तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मेरी तो अभी तकरीबन 1,500-2,000 कस्टमर्स की लिस्ट बन चुकी है। तो ये हो गया, ये आपको एक डिस्काउंट करना है, और आप चाह रहे हैं कि इसको प्रमोट करना है तो शेयर ऑन फेसबुक पे आप करेंगे, तो ये आपका जो फेसबुक पेज रहेगा उस पर ये शेयर होगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसकी लिंक भी निकाल सकते हैं, ये इसकी लिंक है कि इस लिंक के थ्रू कोई भी जाएगा तो उसके लिए ये चीज़ अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कलेक्शंस पेज पे जाएगा, और ये डीप लिंकिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको लिंक ये कॉपी करना है, और जहाँ भी आपको देना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको देना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ये लिंक पोस्ट करोगे, यहाँ पे अभी कोई इमेज फेच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इमेज फेच कर लिया करते हैं। और अगर कोई इमेज फेच नहीं कर रहा है तो भी आपको कोई ना कोई इमेज यहाँ पे लगानी है, और इसके बाद आपको ये लिंक हटा देनी है यहाँ से, और आपको कुछ ऐसा लिखना है, गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल मेंस क्लोथिंग। तो इस टाइप से आपको थोड़ा ऐसा पोस्ट करना है जो कि कस्टमर देखे और वो वहाँ पे आए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोष्टक में लिखना है कि ओनली फॉर 3 डेज, ताकि लोगों को ये चीज़ रहे कि सिर्फ ये 3 ही दिन है, और
तो आपको इस टाइप से लिखना है कि ओनली फॉर 3 डेज, ताकि लोग आएं और उस चीज पे ज्यादा ध्यान दें। ये आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बाद आप नीचे इसको कर दीजिए और इसके बाद आप इसको पोस्ट कर दीजिए। ये यहाँ पे आपको कोई भी एक इमेज लगानी है, चूंकि अभी कोई इमेज है नहीं तो अभी मैं इसको सिंपल खाली छोड़ दे रहा हूँ। साथ में आपको मैं एक ऐप बताता हूँ, जिस ऐप को आप यूज़ करेंगे तो कन्वर्जन आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है फेसबुक एड किट, ठीक है, फेसबुक एड किट, ठीक है। तो ये जो किट है ये आपको डाउनलोड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये किट है क्या एक्चुअली। आप यहाँ पे देखेंगे ड्राइव मोर सेल्स विद द ओन मार्केटिंग एम्प्लॉयज, इजीली सेटअप अ फेसबुक एड, इंक्लूड डायनामिक रीटारगेटिंग एड्स, रन इंस्टाग्राम एड्स एंड डिलीवर अ प्रॉफिट ऑन योर एड स्पेंड, ठीक है। तो मैं मोस्टली इसको ही यूज करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। आप इसके ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं किस टाइप से ऐड होगा। तो अभी मैं चलिए इसको गेट करता हूँ और आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि ये वर्क करता कैसे है। एंड देन आपको यहाँ पे इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका फेसबुक पेज कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक पेज, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग सेटअप, ये तीनों चीजें करना है। चलिए अभी मैं आपको फेसबुक कनेक्ट करके शो करता हूँ। यहाँ पे फिर आपको कोई भी एक पेज आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से पेज में आपको, तो आपने कंफर्म फेसबुक पेज किया। फिर आपके लिए एंड देन आपको यहाँ पे चूज करना है मैसेजिंग प्रेफरेंस, तो आपको फेसबुक मैसेंजर चूज करना है क्योंकि ये आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होता है। और आप चाहें तो ये SMS टेक्स्ट मैसेजिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम फेसबुक करते हैं। और ये सब होने के बाद आपको करना है एक एड अकाउंट। तो आपके में अगर पहले से एड अकाउंट बने होंगे, तो जैसे कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल में पहले से बने हुए हैं, तो आपको इनमें से एक कोई चूज करना है। व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशंस आपको सारी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देखिए अभी जैसे कि इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए आपको यहाँ पे इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ये को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये तीनों चीजें सारी चीजें हो गई। अब यहां पे बात आती है कि किस कंट्री को आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए यहां पे किस कंट्री को आपको टारगेट करना है। जैसे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करता हूं, तो मैंने यहां पे डन किया, ग्रेट जॉब, आपको ये मैसेज आ जाएगा। एंड देन आप यहां पे आ जाएंगे आपके किट के डैशबोर्ड पे। अब यहां पे आपकी सारी चीजें सेटअप हो गई हैं। अब बस आपको यहाँ पे ऐड प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स चूज करना है कि कौन कौन से आपको प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे तकरीबन, तो आप यहाँ पे अभी तकरीबन 5 प्रोडक्ट ऐसे चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे और भी एक दो चूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं चूज, ये कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपने अभी तक 3 प्रोडक्ट चूज कर लिए हैं, तीनों प्रोडक्ट आपने चूज कर लिए, और 2 प्रोडक्ट और हम चूज कर लेते हैं। तो यहां पे हमने 5 प्रोडक्ट अपने चूज कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे कि आप किस टेम्पलेट आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ईमेल मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने तो ईमेल मार्केटिंग के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर हम करते हैं एड एंड पोस्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे जैसे ही आप एड्स एंड पोस्ट में आते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये कुछ ये इस टाइप से टाइटल हो गया और ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ इन्होंने टेम्पलेट खुद ब खुद बना के दिए हुए हैं। फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्लो सेलिंग प्रोडक्ट्स, स्टोर शोकेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और इनको आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे थैंक यू एंड ईमेल्स। तो थैंक यू ईमेल आपका किस टाइप से रहेगा वो आपको यहाँ पे बना के रखना है और वो कस्टमर को जाएगा। फिर यहाँ पे रिपीट कस्टमर्स के लिए टेम्पलेट जो रहेगा वो यहाँ पे जाएगा। तो कन्वर्जेशंस में आपका रहेगा टेक्स्ट मैसेज कन्वर्जेशंस, आपके यहाँ पे सारे शो होंगे कि आपको कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। तो आप इनमें से कुछ आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है।
फिर हम चलते हैं परफॉर्मेंस पे। यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस शो होगी कि आपके एड्स कैसे चल रहे हैं या कैसे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी अब हमारा ये नया अकाउंट है, इसमें कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो आपको ये जो किट एक ऐप है, इस किट ऐप को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, सारी चीज़ें समझना है। आप यहाँ पे चाहें तो कोई वीडियो भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तकरीबन 3-4 चीज़ें बता दी हैं जिनसे हम ट्रैफिक लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स मेरे ख्याल से सभी ने सुन के रखा होगा कि गूगल एडवर्ड्स पे आप एड चला सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे कन्वर्जेशंस होते हैं, और क्योंकि आपका जो एड है वो पहले नंबर पे आता है। जैसे कि आप गूगल में अगर कुछ भी आप अगर सर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन शॉप हमने सर्च किया एक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैशन क्लोथिंग ऑनलाइन स्टोर, तो ये एक ऐड किसी ने पहले से चला के रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फ्लैश सेल का एक ऐड चल रहा है, इसके बाद गेट फ्री शिपिंग का एक ऐड चल रहा है। तो इस टाइप से आप भी कोई एक ऐड चला के रख सकते हैं। ये ऐड में अच्छी बात क्या होती है, फेसबुक में क्या है कि आपका पर डे का जाएगा, लेकिन यहाँ जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा देन ही आपको पे करना है, ठीक। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 4 से 5 चीज़ हो गई जो कि मैंने आपको बताई है। एक हो गया फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर, किट। जो किट जो है वो फेसबुक के लिए ही होता है, तो आप ये किट का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद में आप वर्ड एडवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। अब आपको एड बनाना नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको इंडिपेंडेंट वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि गूगल एडवर्ड्स में आपको ऑडियंस और साथ में कीवर्ड्स बहुत ही संभल के चूज करना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर आप किसी ने कोई भी आप फालतू के कीवर्ड भी ऐड कर दोगे तो आपके फालतू क्लिक बढ़ेंगे लेकिन कन्वर्जन नहीं बढ़ेगा। आपको ये लगेगा कि लोग क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन मेरे कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये भी लग सकता है कि आपका स्टोर खराब है, लेकिन यहाँ पे स्टोर खराब नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि जो आपके स्टोर में है वही चीज आपको यहाँ पे कीवर्ड सेट करने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको गूगल एडवर्ड्स का एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको करना है अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई इशू है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ होती है SEO। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि आप SEO पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक आता है वो सिर्फ 2 जगह से आता है। एक होता है सोशल मीडिया और दूसरा होता है SEO के थ्रू आता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके स्टोर पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए बिना कुछ पे किए, तो आपको SEO बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। इसके लिए आप यहाँ पे SEO के कुछ आपको टूल मिल जाएंगे, आपको उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ SEO की ऐसी एप्लीकेशंस होंगी और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए प्लगइन SEO करके हो गया, ये SEO बाय फॉक्स ड्राइव करके हो गया, इनमें से आपको एक दो चेक कर सकते हैं आप और वो SEO सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल AVS Tech अनंत वैसौनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल में देता रहूँगा जो कि आपके स्टोर के लिए, आपके पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। तो ऐसे ही थैंक यू दोस्तों।